हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए साइंस के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और ये स्टार्ट हो गया है मॉक टेस्ट। सबके सब आ जाओ, जल्दी से जल्दी लाओ। और कल से हम वन लाइनर भी लेके आ रहे हैं साइंस के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सी सी गैस है जो वायु प्रदूषण के लिए काम में नहीं होती, मतलब जो वायु प्रदूषण नहीं करती है, तो है DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, मतलब जो प्रथम जीव है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, पृथ्वी से, हवा से, जल से या किसी अन्य ग्रह से। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति है वह जल से हुई थी, यानी जल के अंदर सर्वप्रथम अपने क्या है, जीव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसने दिया था। तो जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन ओपेरिन ने दिया था। ऑप्शन संख्या डी, ओपेरिन थे साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, पौधों के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है, यानी कि जो अपने पौधे होते हैं उस पौधों के किस भाग से अपनों को कॉफ़ी मिलती है। तो बीज, यानी कॉफ़ी है वो अपने बीज से बनती है। निकोटीन पाया जाता है तो तंबाकू में, तंबाकू की पत्तियों में। ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी अपना क्या राइट हो जाएगा, तंबाकू की पत्तियों में क्या है, निकोटीन की मात्रा, निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सिक्स, किस कीट भक्षी पौधा है, यानी कौन सा है ऐसा तो कीट भक्षी पौधा है, तो वह है ड्रोसरा। ड्रोसरा अब क्या है, कीट भक्षी पौधा है ड्रोसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, यानी जिनको 1962 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे, तो है वाट्स एंड क्रिक ने। वाट्स एंड क्रिक ने क्या डीएनए का मॉडल है, द्यू मॉडल रचना है, और डीएनए की वाट्स एंड क्रिक ने दी थी। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। आनुवंशिकता के जन्मदाता है, तो आनुवंशिकता जन्मदाता कौन है, मेंडल, जॉर्ज ग्रीगल मेंडल, ठीक है, जिन्होंने मटर के पौधे पे आनुवंशिकता की क्या खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू क्या है, यानी कि आलू, आलू क्या है, तो आलू जड़ है, तना है, फल है या बीज है। तो आलू अपने पास क्या है, तना है। आलू क्या है, तना है, तना, अपन जो बाग खाते हैं आलू का वो तना वाला बाग खाते हैं आलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के बेसिन की सर्वप्रथम तैयार किया गया था, यानी कि वैक्सीन, यानी सर चेचक का सब इलाज है, वैक्सीन है, दवा है, वह सर्वप्रथम किसने तैयार की थी, तो की थी डॉक्टर जेनर ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% है, एग्जाम में आएगा ये, देख लेना, डॉक्टर जेनर ने की थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का काबू में पा लिया गया है, यानी कि कौन सी बीमारी है जिसको काबू में पा लिया गया है, उस बीमारी मतलब उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया है, तो उन्हें काबू में पा लिया गया इस बीमारी के ऊपर, मतलब इसका मतलब यानी कि अपने क्या है, एंटीडोट बना लिया, बोलते हैं एंटीडोट, तो वह टीबी की बीमारी के एंटीडोट बना लिया है, अब इससे कोई ख़तरा नहीं है लोगों को, जिसके भी टीबी होगी वो इलाज करा सकता है अपना अच्छे खासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोगों की वसा में पाया जाता है, यानी भारत के लोगों में वसा पाई जाती है, तो भारत के लोग हैं उनकी वसा पाई जाती है, तो उनमें वसा पाई जाती है 1 से लेकर 30 ppm, ppm DDT 1 से लेकर 30 तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकटिन प्राप्त की जाती है, यानी प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकटिन प्राप्त की जाती है, तो किससे प्राप्त की जाती है वो, तो वो नीम से, कौन से, नीम के पौधों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक क्या है, व्हाट इज दिस एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक क्या दवाइयाँ होती है ये। हालांकि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बनाता है, यानी दूध को दही में बदलता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है कि यह दूध को दही में क्या है, ट्रांसफ़र करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है,
इन्फ्लुएंजा H1N1 की अधिक चालिकता चलित रूप से पाया जाता है, यानी कि इन्फ्लुएंजा H1 और N1 है वह अधिक पाया जाता है, तो वह अपने पास किस में आता है, स्वाइन फ्लू में, ठीक है। और ये पूछा था स्वाइन फ्लू में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है स्वाइन फ्लू क्या होता है, तो H1N1 ये आंसर याद रखना, H1N1। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रडार का आविष्कार कौन था, यानी जो रडार है रडार उसका आविष्कार किसने किया था, तो रडार का आविष्कार है वह रॉबर्ट वाटसन ने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित करता है, यानी जो एफ्लाटॉक्सिन है खाद्य श्रृंखला है इससे कौन सा अपना अंग प्रभावित होता है अपना शरीर का, हृदय, फेफड़ा, वर्क या यकृत, तो ये लीवर, ठीक है, यकृत है जो अपना शरीर क्या है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन होता है, तो रक्त दाब है इसका मापन यंत्र कौन सा है, तो रक्त दाब का मापन यंत्र वह है स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर क्या करता है, BP रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, तो BP ब्लड प्रेशर, BP जो कितनी होती है 120 से लेके 80 mmPa। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21वां, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, यानी जो विद्युत है उसको उपयोग करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो अपन करते हैं यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का यूज करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल होता है, यानी जो लोलक का आवर्तकाल है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, तो यह करता है अपनी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि लंबाई के ऊपर क्या लोलक का आवर्तकाल डिपेंड करता है। चुंबक की सुई किस तरह संकेत करती है, यानी कि जो चुंबक की सुई होती है वह किस तरह संकेत करती है, तो वह उत्तर की ओर, ठीक है, एक सिरा चुंबक का उत्तर की ओर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करता है, यानी जो श्वेत प्रकाश है वह नली में कैसे पैदा करता है, तो वो कैसे पैदा करता है, वह तंतु को गर्म करके, यानी जो अपने पास तंतु है उस गर्म तंतु को गर्म करते हैं उससे श्वेत प्रकाश क्या पैदा होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है बोले तो। महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महासागरों में ऊंचे जल तरंगें कैसी होती है, तो जो महासागर होते हैं उसमें ऊंचे जल तरंगें वो चंद्रमा से होती है, चंद्रमा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 26, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो यानी कमरे को ठंडा कर सकते हैं, तो इसके पीछे क्या है कि पानी में बहने से, संपीड़न गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से, तो वह संपीड़न गैस को छोड़ने से क्या कमरे को क्या ठंडा कर सकते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश के 7 रंगों होते हैं, रंगों को अलग तरह से किया जा सकता है, यानी कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को कैसे अलग कर सकते हैं, तो प्रिज्म रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर द्वारा, पौधों के या रंगों के, तो प्रिज्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी कि एक तरफ सूर्य है, एक तरफ क्या अर्थ है, इसके बीच में क्या मून आ गया, ठीक है, तो क्या होगा सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, 29वां, सबसे छोटा दिन होता है, तो भाई सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन अपने पास होता है 22 दिसंबर, ठीक है, सबसे बड़ा पूछे तो 21 जून, 21 जून क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटा कौन सा हो गया 22 दिसंबर। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, सोने को गोला जा सकता है, यानी जो सोना है सोना उसको गोला जा सकता है, किस में गोलते सोने को,
तो सोने को हम बोलते हैं तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक HCl व नाइट्रिक अम्ल के अंदर, तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक इन अम्ल व एक भाग नाइट्रोनिक अम्ल में हम क्या करते हैं सोने को घोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज अपने 30 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे रेलवे की दृष्टि से। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।